वहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा पर भी आपकी इंटरव्यू होती है। तो अगर आपको ऑन अराइवल वीज़ा के ऊपर भी लाइक कोई भी जो लाइक हम बात करें क्वेश्चन चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए या क्वेरीज चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, आपको मैं बता सकता हूँ। राइट, हेलो, सत श्रीकाल आदाब, नमस्ते, एक बार फिर स्वागत है मिस्टर सिंह चैनल पर, एंड आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेंजेन टूरिस्ट वीज़ा इंटरव्यू एंड क्वेश्चन। एंड सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगा सागर को, क्योंकि सागर ने ही मेरे को ये टॉपिक दिया है और मैं उसको लाइक आप सब लोगों को आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा और मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि मैंने कैसे इंटरव्यू क्लियर किया, मेरे से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर। राइट, तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, आपके टॉपिक के ऊपर भी मैं प्रॉपर वे से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। राइट, तो सबसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे लाइक काफ़ी जो लाइक ऑन अराइवल वीज़ा भी लगे हुए हैं, जो वहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा पर भी आपकी इंटरव्यू होती है। तो अगर आपको ऑन अराइवल वीज़ा के ऊपर भी लाइक कोई भी जो लाइक हम बात करें क्वेश्चन चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए या क्वेरीज चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, आपको मैं बता सकता हूँ। राइट, तो जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस था वो भी मैं आपको इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको भी पता चले मेरे से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे को 5 क्वेश्चन पूछे थे, जो कि मैं आपके साथ एंड में शेयर करूंगा। तो वीडियो पूरा देख लीजिए, अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज लेकर आता रहूँ, वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहूँ। राइट, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। राइट, तो पहला क्वेश्चन जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ है, डू यू इंटेंड टू वर्क ड्यूरिंग योर वर्क विजिट, और ये कौन क्वेश्चन को आप चेंज भी कर सकते हो, आर यू गोइंग टू वर्क ओवर देयर, आप वहां पर काम करने के लिए जा रहे हो या आप विजिट करके आप वहां पर काम करोगे। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश के अंदर दो क्वेश्चन लाइक सेम मीनिंग सेम है, क्वेश्चन आपके साथ थोड़ा बहुत लाइक कॉम्प्लिकेटेड करके आपसे पूछा जाएगा, डू यू इंटेंड टू वर्क ड्यूरिंग योर विजिट और आर यू गोइंग टू वर्क ओवर देयर। राइट, क्या आप वहां पर काम करने जा रहे हो, नो आई एम नॉट गोइंग ओवर देयर फॉर वर्क, दिस इज जस्ट ओनली फॉर टूरिज्म, मैं सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ और नथिंग एल्स, आई एम नॉट गोइंग फॉर वर्क ओनली। राइट, आपको सिर्फ एक लाइन के अंदर आंसर देना है, दैट्स इट, नो आई एम नॉट गोइंग फॉर वर्क ओवर देयर। राइट, जस्ट फिनिश। देन सेकेंड क्वेश्चन, इज दिस योर फर्स्ट विजिट टू शेंजेन कंट्री, अगर आप पहली बार जा रहे हो देन यू हैव टू से येस, दिस इज माई फर्स्ट टाइम टू विजिट इन शेंजेन एरिया, और जिस भी कंट्री के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो। राइट, यस, दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू अप्लाई टू विजिट इन ग्रीस और इन जर्मन, इन फ्रांस, जो भी आपकी कंट्री होगी वो आप बता सकते हो, सिर्फ लाइक एक छोटी सी लाइन के अंदर आपने आंसर प्रोवाइड करना है, बहुत ही सिंपल एंड ईजी वे से। और टिप्स ये है कि आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपके लाइक केस के ऊपर स्माइल होनी चाहिए। राइट, बिल्कुल रिलैक्स, काम, कोई भी आपके फेस के ऊपर टेंशन नहीं होनी चाहिए। आर यू गोइंग फॉर वर्क ओवर देयर, नो आई एम नॉट गोइंग फॉर वर्क ओवर देयर, दैट्स इट, फिनिश, बहुत ईजी। एंड सेकेंड थिंग, जो सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लाइक हो सकता है कि वट इज योर पर्पस, माई पर्पस इज ओनली फॉर टूरिज्म। राइट, तो बहुत ही ईजी, बहुत ही रिलैक्स वे से आपने स्माइल के साथ उनको आंसर देना, ताकि उनको जज ही ना हो कि यार आप कुछ लाइक वहां पर जा रहे हो या वापस नहीं आओगे या कुछ भी हो सकता है। राइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा फीलिंग नहीं आनी चाहिए। लाइक हम कई बार स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, हम घबरा जाते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस नॉर्मल होना चाहिए, ये नहीं है कि आपने टाई बांध लिया, पूरा बंद कर लिया और वहाँ पर हेजिटेशन हो रही है, आपको दिल धक 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 कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बट नॉर्मली वैसे जाओ, इजी हो जाओ, दैट्स इट। थर्ड क्वेश्चन हम बात करेंगे, विच शेंजेन कंट्री आर यू प्लानिंग टू विजिट एंड व्हाई। ठीक है, आप कौन सी कंट्री के अंदर विजिट करने चाहते हो या करने जा रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो। राइट, तो लाइक सी आई एम गोइंग टू प्लानिंग टू विजिट जर्मन और ग्रीस और फ्रांस। राइट, बट व्हाई, आपको आंसर भी देना है व्हाई, बिकॉज आई वांट टू सी द हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, ग्रीस हैज रिच हिस्ट्री। राइट, और आप बता सकते हो कि आई वांट टू सी आइलैंड ऑफ द ग्रीस, आई वांट टू सी मिकोनोस, आई वांट टू सी सेंटोरिनी। ठीक है, एक दो लाइन के अंदर आपको आंसर प्रोवाइड करना है। जैसे आप जर्मन के अंदर जाना चाहते हो तो आपको जर्मन की कुछ इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। राइट,
जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो, मैंने ग्रीस के लिए अप्लाई किया था, तो ग्रीस की इंटरव्यू आप यही क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, तो इसका आंसर मैं प्रॉपर वे से इन द एंड ऑफ बताऊंगा वीडियो के अंदर, ताकि आपको प्रॉपर वे से पता चल जाए मैंने कौन सा आंसर दिया। और आप जो भी कंट्री के अंदर अप्लाई करना चाहते हो उस कंट्री की इंफॉर्मेशन आप थोड़ी बहुत रखिए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट? माई पर्पस इज ओनली टूरिज्म, मैं सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं बताना उनको। वेयर यू विल स्टे, आप कहाँ पर रहोगे? आई विल स्टे इन एक्स वाई जेड होटल, और जो भी आपका होगा 5 star, 3 star, जो भी आपका होटल है उसका नाम बता दीजिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड हाउ डू वी नो दैट यू विल रिटर्न टू योर होम कंट्री? ओके, तो उनको आपने बताना है कि उनको आपको कन्विंस करना है कि येस आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री। रीजन क्या बता सकते हो? अगर आप मैरिड हो, मेरी वाइफ है यहाँ पर, इफ यू हैव किड्स, आई हैव किड्स ऑल्सो, आई हैव माई होम, आई हैव लैंड ऑल्सो, राइट, सो आई हैव टू कम बैक टू यू नो होल्ड माई लैंड, टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, आई कांट स्टे ओवर देयर, ठीक है। तो मतलब कुछ लाइक 3 lines ऐसी होनी चाहिए आपके पास, अगर वो पूछते हैं कि लाइक हमें बताओ कि हमें कन्विंस करो कि आप अपनी कंट्री के अंदर वापस आओगे या नहीं आओगे। हाउ डू वी नो दैट यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री? बहुत ही ईजी वे से आपने आंसर दे देना है कि ये आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री बिकॉज माई वाइफ इज हेयर, राइट, माई किड्स आर ऑल्सो हेयर, माई मॉम डैड इज ऑल्सो हेयर, एंड आई हैव लैंड ऑल्सो देयर, आई कांट लीव अलोन दैट वन, राइट। सो बहुत ही ईजी वे से यार, मतलब आराम से फीलिंग रिलैक्स काम, बड़े आसानी से आपने आंसर देना उनको। देन उसके बाद, वट विल यू डू इफ योर वीजा इज रिजेक्टेड? तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप कई बार हो जाता है कि ना वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, यार वीज़ा रिजेक्ट हो गया, उनको थोड़ा बताना कि यार हमें टेंशन हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, उनको बताना कि इट्स ओके इफ यू विल रिजेक्ट माय वीज़ा, देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम बिकॉज आई हैव वर्क इन माय कंट्री, इन माय सिटी, ओके, आई जस्ट गोट हॉलीडेज फ्रॉम माय वर्क ओनली फॉर 7 days, राइट, आई जस्ट वांट टू विजिट ओनली फॉर माय टूरिज्म पर्पस, इफ इट्स ओके इफ रिजेक्टेड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। तो मतलब उनको ये बताना है कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अगर रिजेक्ट हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी किस्मत में होगा तो लग जाएगा, राइट। तो आपको लाइक एक बड़े ही आसानी से स्माइल करके इट्स ओके इफ यू विल रिजेक्ट माई वीजा, देर इज नो एनी प्रॉब्लम बिकॉज आई हैव ऑलरेडी 7 days, आई कैन स्पेंड विद माई फैमिली, नथिंग एल्स, फिनिश। तो ये बड़े सिंपल से आप आंसर दे सकते हो, कोई ये नहीं है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड आंसर देने हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही काम, इजी वे से। हाउ मच विल दिस जर्नी कॉस्ट यू, राइट, इस कॉस्ट की लाइक इस जर्नी के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, देन आप बता सकते हो कि इस कंट्री के लिए लाइक ए पर्टिकुलर मैं 100 euro स्पेंड कर सकता हूँ, राइट, करने जा रहा हूँ। तो ये आपको गूगल के ऊपर जब आप सर्च आउट करोगे किस कंट्री के लिए कितनी अमाउंट पर डे के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो आप उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं जिस भी कंट्री के लिए आप जाना चाहते हो, राइट। तो जैसे कि ग्रीस के अंदर आप 50-75 euro इज़ इनफ आपके लिए, तो आप बता सकते हो, बट 100 euro आपके पास लाइक अगर 7 days का ट्रिप है तो 700 euro आपके पास अगर हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बैंक बैलेंस भी आप बता सकते हो। बट इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, हाउ मच विल दिस जर्नी कॉस्ट यू? दिस जर्नी कॉस्ट मी नियर अबाउट 1.5 lakh, नियर अबाउट 1500 euro, राइट। सो ये आपने बता देना है, 4 10 days और 4 7 days, वट एवर आपका जो ट्रिप होगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा। आपने प्रॉपर वे जब आप आइटनरी बनाते हो, आइटनरी के अंदर आपने मेंशन करना होता है कि मेरे पास एक दिन का जो लाइक एक्सपेंसेस है वो कितने होते हैं, ठीक है, उस आइटनरी के अकॉर्डिंग ही आपने आंसर प्रोवाइड करना है। ये नहीं है कि आइटनरी के अंदर आपने 1500 बोल दिया और आप वहाँ पर इंटरव्यू के अंदर €1000 बोल रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा ना, मिसमैच हो गया। जो आइटनरी के अंदर है वो ही आपके पास आंसर होना चाहिए, राइट। देन मूव ऑन होते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? आप लिविंग के लिए क्या करते हो? अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बता सकते हो कि आई एम स्टूडेंट, ऑल द थिंग्स बेयर फ्रॉम माई फैमिली, ठीक है, आपकी फैमिली बेयर करेगी। अगर आप जॉब करते हो, राइट, तो आप बता सकते हो आई एम डूइंग जॉब इन IT कंपनी और इन आई एम इंजीनियर और आई एम डूइंग इन दिस कंपनी, राइट। आप बता सकते हो जो भी आप काम करते हो एक सिंपल वे से, राइट। देन हम मूव ऑन होते हैं कि लाइक हाउ मच डू यू अर्न, राइट, आप कितना पैसा अर्न करते हो, आपकी जो भी सैलरी होगी टूरिस्ट वीज़ा के लिए। मैंने सभी को बताया कि अगर आपकी सैलरी 25,000, 30,000, 35,000 से ऊपर है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, राइट। माय सैलरी इज़ 25,000 Indian rupees, राइट, और 30,000 Indian rupees, और अगर आप यूरो के अंदर बोलना चाहते हो 25,000 Indian rupees इक्वल टू 400 euro, 300 euro, 350 euro, जो भी आपके रहेंगे वो आप बता सकते हो।
देन डू यू हैव एनी फैमिली और फ्रेंड्स इन शेंजेन एरिया? ओके, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर है वहाँ पर, आपका कोई फ्रेंड सर्कल रहता है वहाँ पर, तो वहाँ पर अगर रहता भी है तो आप उनको मोस्टली ये बताइए कि नहीं रहता, नो आई डोंट हैव एनी फैमिली मेम्बर, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स ओवर देयर, राइट? आपका कोई भी फ्रेंड, आपका कोई भी फैमिली मेम्बर शेंजेन एरिया के नहीं रहता, अगर आप बोलते हो कि येस आई हैव माई फैमिली ओवर देयर, राइट? एंड फिर उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि यार मे भी हो सकता है कि ये वहाँ पर जाएगा और वापस नहीं आएगा, राइट? तो यहाँ पर एक डाउट एक हम उनको प्रोवाइड करते हैं, फिर आपसे और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सिर्फ नॉर्मली बताइए कि नो आई डोंट हैव एनी फैमिली और आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स ओवर देयर, राइट? बहुत ही सिंपल वे से, बड़े आसानी से स्माइल के साथ। आर यू ट्रैवलिंग विद समवन एल्स? अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, तो आप बताइए येस आई एम ट्रैवलिंग विद माई फैमिली, राइट? और अगर आप सोलो कर रहे हो, अलोन कर रहे हो, नो आई एम ट्रैवलिंग अलोन, आई एम ट्रैवलिंग सोलो, तो आप बता सकते हो कि अगर आप अकेले कर रहे हो, राइट? 15 क्वेश्चन, व्हाई डू यू चूज ओनली दिस कंट्री? जो भी मान लीजिए ग्रीस, जर्मन हो गया, फ्रांस हो गया, जो भी आपने चूज किया, तो सेम क्वेश्चन का आंसर आपने यही बताना है कि आई चूज दिस कंट्री बिकॉज ऑफ दिस रिच हिस्ट्री। लाइक मैंने ग्रीस किया था, तो ग्रीस के लिए बता देता हूँ कि ग्रीस हैज रिच हिस्ट्री, ग्रीस हैज अ लॉट ऑफ आइलैंड लाइक मिकोनोस, सेंटोरिनी, आई वॉन्ट टू सी, राइट? तो ये ऐसी चीज़ें आप बोल सकते हो, 3-4 लाइंस के अंदर आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आपके लिए थोड़ा सा कन्विंस आपको करना पड़ेगा और हेजिटेशन नहीं होना वहाँ पर, थोड़ा घबराना नहीं है, पसीना नहीं आना चाहिए आपको, ड्रेसिंग सेंस नॉर्मल होनी चाहिए, ये नहीं है टाई पूरी रखी हो यहाँ पर और गला आपका पूरा बंद हो, तो वो नहीं, मत नॉर्मल वे से, सिंपल वे से आप जाओ, जैसे आप रिलैक्स होकर जा रहे हो, ठीक है, वैसे ही जाना आपने। तो अब मैं बात करता हूँ कि मेरे से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। सबसे पहला पूछा गया था, एंड जो क्योंकि मैं साइप्रस के अंदर स्टूडेंट था, राइट? तो एज अ स्टूडेंट मैंने ये टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था पहले, तो मेरे को जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पर्पस, व्हाट इज़ योर पर्पस? माय पर्पस इज़ ओनली फॉर द टूरिज्म, राइट? और सेकंड क्वेश्चन मेरे को पूछा गया था कि अबाउट फंड्स, व्हाट अबाउट योर फंड्स? एंड मैं वहाँ पर साइप्रस के अंदर जॉब कर रहा था पार्ट टाइम, तो मैंने बताया था कि आई एम वर्किंग एज अ पार्ट टाइम लाइक यू नो एज अ क्लीनर, राइट? आई एम वर्किंग पार्ट टाइम इन एज अ क्लीनर एंड माई सैलरी इज़, जो भी आपकी सैलरी थी 350-400 यूरो जो भी मेरी सैलरी थी, मैंने आपको उनको बताया। एंड थर्ड क्वेश्चन यही था कि हु विल बेयर योर ऑल द एक्सपेंसेस, एंड मेरा आंसर ये था कि माय फैमिली मेंबर एंड माय सेल्फ, बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ पार्ट टाइम एंड माय फैमिली मेंबर दे सेंड मी ऑलरेडी 1000 यूरो इन माय बैंक अकाउंट एज आई मेंशन इन माय बैंक स्टेटमेंट। तो बहुत ही सिंपल वे से, बड़े ईजी वे से मैंने उनको आंसर दिया, my family member bear all the expenses and myself because I am working as a part time and my parents they send it already in my account 1000 euro. So do line ke andar maine answer khatam kar diya. Tum how do we know that you will come back to Cyprus again? And maine unko ye mention kiya tha ki I just want to go there to tourism purpose only and I want to see the history of Greece as I know already Cyprus and the Greece they are part of the Europe and they are also Greek people and I want to know about more, right? And I want to see the island. मैंने दो island के बारे में भी बताया था कि I want to visit Santorini, I want to visit दूसरा island था Mykonos, right? ये दो famous island है Greece के अंदर, तो मैं ये visit करना चाहता हूँ। एंड उसके बाद वैसे भी मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री थी ऑलरेडी, रोमानिया, बुल्गारिया, राइट? तो रशिया, तो उन्होंने मेरा जब पासपोर्ट देखा वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन थी मेरी ट्रैवल हिस्ट्री, तो वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये नॉर्मल से मेरे पास क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि डू यू हैव एनी फ्रेंड्स और फैमिली ओवर देयर? आई सेड नो आई डोंट हैव एनी फैमिली मेंबर्स एंड आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स ओवर देयर, आई एम जस्ट गोइंग फॉर टूरिज्म पर्पस एंड आई एम गोइंग ओनली सोलो। तो मैं अलोन जा रहा हूँ, मेरा कोई भी फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स नहीं है, कोई भी फैमिली नहीं है, तो बहुत ही ईजीली वे से आप थोड़ा सा काम रहेंगे, थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, ईजिली वे से उनको स्माइल के साथ आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए और डेफिनेटली आपकी 110% आपको मैं ये बता सकता हूँ कि आपकी इंटरव्यू क्लियर होगी अगर आप बहुत ही ईजी वे से जाते हो, काम जाते हो, रिलैक्स होकर जाओगे। और आपको ये बता दूं कि इन द एंड ऑफ मैंने आपको बताया था कि कुछ टिप्स भी होंगे। टिप्स ये है कि जब भी आप एजेंट के साथ टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो, तो वो आपको एक पेपर के ऊपर 5-10-15 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर आंसर भी दिए होते हैं, तो उस एजेंट से
काफ़ी लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किए होते हैं, राइट। वो करते हैं, फाइल्स अपनी देते हैं, सभी लोगों को वो सेम क्वेश्चन देते हैं, सेम आंसर देते हैं, और सभी को ही सेम आंसर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा ना वहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, अगर वही आंसर आप प्रोवाइड कर रहे हो, वही आंसर आपसे पहले वाला बंदा देकर गया, वही आपका नेक्स्ट पर्सन भी वही देगा, तो उनको थोड़ा सा ऐसा डाउट होता है कि यार ये सभी एक ही आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं ये इसलिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ कि जब भी आप अपनी इंटरव्यू क्लियर करने जाते हो, जब भी आप इंटरव्यू फेस करने जाते हो, तो आपके क्वेश्चन जो उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन भी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये भी आप क्लियर कर लीजिए, बट आंसर आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। किस कंट्री के अंदर जा रहे हो उस कंट्री के बारे में पता होना चाहिए आपको, और क्यों जा रहे हो, वापिस आपने आना है, उनको कन्विंस करना है कि ये आई विल कम बैक बिकॉज ऑफ माई फैमिली, बिकॉज ऑफ माई किड, बिकॉज ऑफ माई स्टडी, बिकॉज ऑफ माई बिजनेस। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको थोड़ा सा कन्विंस करती हैं, उनको कन्विंस करती हैं कि आप येस, आप एक जेन्युइन हो, आप वापस आओगे, तो थोड़ा सा ईजिली वैसे होकर। तो ये क्वेश्चन है, अगर किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप बता दीजिए, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। एंड मिस्टर सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा एंड वर्किंग वीज़ा की मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।